नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैसे आप विंडोज़ 11 लैपटॉप में रिसाइकल पिन को हाइड कर सकते हो। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो इस सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करो और यहां पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इसको ऑल में सेट कर दो। दोस्तों ऊपर आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बटन पर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहां पर सेटिंग सर्च कर लेना है। यहां पर दोस्तों सेटिंग के अंदर आ जाने के बाद आपको पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है। पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थीम के अंदर चले जाना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे थीम्स आपको देखने को मिल जाते हैं और इसके नीचे आप देख सकते हो डेस्कटॉप आइकन सेटिंग करके है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप रिसाइकल बिन को अगर हटाना चाहते हो, यहां पर आप देख सकते हो इसको अनटिक कर देना है और यहां पर अप्लाई कर देना है। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से करके दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पर देख सकते हो रिसाइकल बिन है जो नहीं है अभी, अब मैं इसको आपको फिर से लगा के और हटा के दिखाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हो टिक कर दोगे तो यहां पर आ जाएगा, इसको अनटिक करके अप्लाई पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहां पर ये हट जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप रिसाइकल बिन के ऑप्शन को हाइड कर सकते हो अपने विंडो 11 लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर पीसी में। दोस्तों वीडियो पसंद आया है, हेल्प हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना।